वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम I-33 अर्निंग पर शेयर में प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम तीन पॉइंट्स पर बात कर रहे होंगे, I-33 की प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट और फिर एडिशनल मेजर ऑफ ईपीएस जब कोई कंपनी यूज़ करती है, जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट की बेस पर अगर ईपीएस कैलकुलेट वगैरह करती है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसको कैसे किया जा सकता है। तो इन तीन पॉइंट्स के ऊपर हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट की बात करें तो एंटिटी को जो प्रेजेंट करनी है ईपीएस, वो करनी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में, और बेसिक ईपीएस भी प्रेजेंट करनी है, डाइल्यूटेड ईपीएस भी प्रेजेंट करनी है, और ये करनी है फॉर द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। कंसोलिडेशन के अकाउंट्स बना रहे हैं तो यहां पर ये हमने जरा एक्रोनियम यूज कर लिया, बीईपीएस मींस बेसिक ईपीएस और डीईपीएस मींस डाइल्यूटेड ईपीएस। तो ये जो एट्रीब्यूटेबल होगी टू द ऑनर ऑफ पेरेंट कंपनी उनको कंसिडर किया जाएगा। फिर बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस वो इक्वल प्रोमिनेंस के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, यानी आपने ऐसा नहीं करना कि बेसिक ईपीएस को ज़्यादा हाईलाइट करके शो कर रहे हो और डाइल्यूटेड ईपीएस को स्मॉल फॉन्ट के अंदर छोटा करके शो कर रहे हो, तो प्रोमिनेंस इक्वल होनी चाहिए। ये फिगर्स जो प्रेजेंट की जाती हैं ये प्रॉफिट और लॉस के इन बिटवीन नहीं की जाती हैं, जब आप पूरा प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसमें एंड में जाकर बिल्कुल लास्ट में आप इन रेशोज को अलग से प्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि इनका इन ये जस्ट एक रेशो है, इसका प्रॉफिट और लॉस की फिगर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो एंड में आपने इसको शो करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के, जब आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वगैरह निकाल लेते हैं, टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं उसके बाद। अगर एक एंटिटी ऐसा करती है कि वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस सेपरेट बनाती है, क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसा करती हैं कि स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम होती है, उसमें प्रॉफिट और लॉस और उसके बाद अदर कंप्रिहेंसिव इनकम का पोर्शन होता है, लेकिन अगर कंपनी प्रॉफिट और लॉस की स्टेटमेंट अलग बनाती है और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम को बेसिकली एक सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में शो करते हैं, तो वो ईपीएस जो बेसिक ईपीएस है और डाइल्यूटेड ईपीएस है वो प्रॉफिट और लॉस की स्टेटमेंट में शो करेंगे और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में शो नहीं करेंगे, क्योंकि जो ईपीएस का ताल्लुक है वो प्रॉफिट और लॉस के साथ है, तो इसको उसी के साथ शो होना चाहिए। फिर ऊपर हमने पढ़ा कि कंटिन्यूइंग ऑपरेशन की आपने डिस्क्लोज करनी है प्रॉफिट और लॉस में, लेकिन जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है उनसे भी रिलेटेड बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस शो की जाती है, लेकिन उसमें चॉइस है, फेस पर भी कर सकते हैं और नोट्स में भी कर सकते हैं। बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस तब भी शो करनी है अगर नेगेटिव फिगर हो, यानी अगर अर्निंग पर शेयर के बजाय लॉस पर शेयर आ रहा हो तो तब भी प्रेजेंट करनी होगी। अगर डाइल्यूटेड ईपीएस आप रिपोर्ट कर रहे हैं किसी एक पीरियड की, तो फिर तमाम पीरियड की प्रेजेंट करनी है, इवन इफ वो इक्वल हो बेसिक ईपीएस के। अब आप कहते हैं कि कंपनी की कोई पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर नहीं है, तो बेसिक ईपीएस भी 4 रुपीज पर शेयर है, और इसलिए क्योंकि मजीद कोई पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर ऐड नहीं हुए तो डाइल्यूटेड ईपीएस भी 4 पर शेयर है, तो आप उसको जो है दोनों को प्रेजेंट करेंगे। हाँ, जहां पर दोनों इक्वल अमाउंट हों वहां पर आप सिंगल लाइन आइटम के अंदर भी दोनों को शो कर सकते हैं, यानी ये भी कर सकते हैं कि बेसिक ईपीएस एक लाइन आइटम में लिखे हों, डाइल्यूटेड ईपीएस अलग लाइन में लिखे हों, और दोनों को कंबाइन एक लाइन में भी लिख सकते हैं जैसे यहां पर हमने मेंशन किया। कि आप सिंपली बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस और आगे अमाउंट बता देते हैं कि रुपीज 4 पर शेयर है, तो ये आप जहां पे अमाउंट सेम हो, जहां अमाउंट डिफरेंट होगी वहां पर तो इनको डिफरेंट लाइन में लिखना ही पड़ेगा। अब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट डिस्कस करते हैं, तो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सर्टन पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। 2 पॉइंट्स हैं कि टोटल अमाउंट जो आपने यूज किया है एज न्यूमरेटर्स, यानी अर्निंग्स की फिगर जो बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए यूज की है वो आपने नोट्स में बतानी होगी, और उसको रिकनसाइल करना होगा उस अमाउंट के साथ जो आपने प्रॉफिट और लॉस में लिखी है। तो बेसिकली आपने जो अमाउंट प्रॉफिट और लॉस में लिखी हुई है और जो अमाउंट आपने ईपीएस के अंदर यूज किया उसमें फर्क हो सकता है, उसमें फर्क किस वजह से हो सकता है, बेसिक ईपीएस की बात करें तो उसमें फर्क हो सकता है प्रेफरेंस डिविडेंड की वजह से, डाइल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो उसमें फर्क हो सकता है कन्वर्टेबल
डिबेंचर्स की वजह से, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स की वजह से और प्रेफरेंस डिविडेंड की वजह से। इसी तरीके से आपने वो अमाउंट जो डिनोमिनेटर के तौर पर यूज़ किया, यानी रेशो में जो नीचे फिगर लिखते हैं, उसे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर जिसे हम कहते हैं, तो वो आपने बताना है कि वो बेसिक ईपीएस और डायल्यूटेड ईपीएस में कैसे शो की है। और बेसिक ईपीएस और डायल्यूटेड ईपीएस की जो दोनों फिगर्स हैं उनके दरमियान रिकनसिलेशन बनानी है। लाइक आप कहते हैं बेसिक ईपीएस में जो नंबर ऑफ शेयर्स यूज हुए हैं वो 4 मिलियन हुए हैं, जबकि डायल्यूटेड ईपीएस के अंदर जो नंबर ऑफ शेयर्स यूज हुए हैं वो 5 मिलियन हुए हैं, तो ये जो 1 मिलियन का जो डिफरेंस है ये किस वजह से है? क्या ये कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की वजह से है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स की वजह से है, या ऑप्शंस की वजह से है? क्योंकि बेसिक ईपीएस के अंदर जो नंबर ऑफ शेयर्स यूज होते हैं और जो डायल्यूटेड ईपीएस में नंबर ऑफ शेयर्स यूज होते हैं, उनमें बेसिक डिफरेंस जो होता है वो उन्हीं आइटम्स की वजह से होता है जो डायल्यूट करते हैं, यानी कन्वर्टेबल्स या फिर ऑप्शंस। तो ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। इसके बाद स्टैंडर्ड जो है ये कहता है कि आपने जो तरीकेकार IAS 33 ने डिफाइन कर दिया उस हिसाब से तो ईपीएस प्रेजेंट करनी है, आप किसी और स्टाइल से भी अपनी ईपीएस प्रेजेंट करना चाहते हैं तो एडिशनली वो भी कर सकते हैं। एन एंटिटी मे डिस्क्लोज इन एडिशन टू बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस अमाउंट्स पर शेयर यूजिंग अ रिपोर्टेड कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट अदर देन वन रिक्वायर्ड बाय IAS 33। फॉर एग्जाम्पल आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बेस पे, ग्रॉस प्रॉफिट की बेस पे, या अपनी किसी मेजर सेगमेंट के प्रॉफिट की अलग से जो है ईपीएस कैलकुलेट करके भी शो कर सकते हैं एडिशनली, यानी जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट वाली बेसिक ईपीएस और डायल्यूटेड ईपीएस है वो भी शो करेंगे, और ये जो एडिशनल मेजर है ये उसके अलावा करेंगे। ये नहीं कि इस एडिशनल मेजर को शो कर दें तो बेसिक और डायल्यूटेड नहीं शो करनी। अच्छा, लेकिन और साथ ही जब आप इस तरीके से एडिशनल मेजर ऑफ ईपीएस यूज करेंगे तो कुछ फर्दर रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होंगी। पहली तो ये कि इसके अंदर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ जो शेयर हैं वो वही यूज होंगे जैसे IAS 33 में हम बेसिक और डायल्यूटेड के लिए कैलकुलेट करते हैं। फिर बेसिक और डायल्यूटेड अमाउंट्स पर शेयर जो है वो इस कंपोनेंट की डिस्क्लोज होंगी इक्वल प्रोमिनेंस के साथ और नोट्स में होंगी, फेस पर नहीं कर सकते, यानी मेन स्टेटमेंट के अंदर नहीं लिखना, नोट्स में बताना। फिर इंडिकेट करेंगे कि जो आपने न्यूमरेटर के लिए बेसिस यूज की हैं वो क्या हैं, लाइक वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो उसमें से कौन कौन से एक्सपेंसेस लेस हुए हैं और कौन कौन से नहीं हुए हुए, ये डिटेल बताएंगे। अगर वो कंपोनेंट जो आपने प्रॉफिट का यूज़ किया जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट या कोई फर्दर प्रॉफिट की फर्दर टाइप भी होती हैं जैसे अर्निंग बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन वगैरह, कैश प्रॉफिट वगैरह की टर्म बाद लोग यूज़ कर लेते हैं, तो अगर वो कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट आपने ऐसा है जो लाइन आइटम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस नहीं है तो उसकी फिर एक रिकंसिलेशन भी देनी पड़ेगी। तो ये बहुत कम सिचुएशन होती है जहां पर एंटिटी एडिशनल मेजर ऑफ ईपीएस को प्रेजेंट कर रही हो, लेकिन अगर कर रही हो तो फिर सर्टन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती हैं और वो आपको पूरी करनी होंगी। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IAS 33 अर्निंग पर शेयर के यूजफुलनेस और लिमिटेशन को डिस्कस कर रहे हैं कि जो ईपीएस के हम रेशो कैलकुलेट करते हैं उसका फायदा क्या है और कहाँ कहाँ उसकी लिमिटेशन है, कितना हमें उस पर रिलाई करना चाहिए और कहाँ पर हमें ओवर रिलायंस के बारे में कॉशियस रहना चाहिए। तो यूजफुलनेस और लिमिटेशंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यूजफुलनेस की बात करें ईपीएस की एज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो स्टॉक मार्केट में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट रेशो कंसीडर होती है वो होती है प्राइस अर्निंग रेशो, PE रेशो कहते हैं इसे, और ये कैलकुलेट होती है एज मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइड बाय ईपीएस। तो इस रेशो के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ईपीएस, क्योंकि जो मार्केट वैल्यू पर शेयर है वो तो मार्केट से मिल जाती है, मार्केट प्राइस होती है जो स्टॉक मार्केट में चल रही होती है। अब PE रेशो की बेस पर मोस्टली इन्वेस्टर्स डिसीजन कर रहे होते हैं और उसमें मार्केट वैल्यू तो सभी मार्केट से यूज कर रहे हैं, ईपीएस की फिगर जितनी ज्यादा रिलायबल होगी उतनी ही ज्यादा रिलायबल PE रेशो होगी और उसी बेसिस पर स्टॉक मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर है उसका डिसीजन हो रहा होगा। बेसिकली प्राइस अर्निंग रेशो जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंपनी की प्राइस अर्निंग रेशो 10 आ रही है तो उसका मतलब है कि उस कंपनी में 1 रुपी अर्न करने के लिए 10 रुपीज की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, 1 लाख रुपए अर्न करने के लिए 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और 1 करोड़ रुपए अर्न करने के लिए 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। यानी जितने आप अर्न करना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी ये बता रही होती है PE रेशो। तो अगर आप एक कंपनी की PE रेशो सुनते हैं कि 15 है तो उसमें 1 रुपया अर्न करने के लिए 15 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करनी है,
एक और कंपनी है उसकी पी रेशो आप कहते हैं 8 है, तो उसमें 1 रुपी अर्न करने के लिए 8 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो नॉर्मली जिसकी पी रेशो ज़्यादा होती है उसकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सिक्योर होती है लेकिन रिटर्न कम होता है, और जहाँ पे पी रेशो जो है वो लो होती है वहाँ पर हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली सिचुएशन होती है। फिर अगर हम बात करें कि ईपीएस जो है वो भी कंपनी की अर्निंग के बारे में बता रही है, और जो कंपनी की एब्सोल्यूट प्रॉफिट फिगर होती है वो भी तो प्रॉफिट के बारे में प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बता रही होती है, तो यहाँ पर जो है एब्सोल्यूट प्रॉफिट फिगर के मुकाबले में ईपीएस के एडवांटेज क्या हैं। अब होता यह कि नेट प्रॉफिट कई सिचुएशन में डिस्टॉर्ट हो जाता है, और वहाँ पर ईपीएस जो है वो ज़्यादा रिलायबल इंडिकेटर होता है कंपनी की परफॉर्मेंस के ट्रेंड एनालिसिस का। फॉर एग्जाम्पल जो प्रॉफिट की फिगर है, लास्ट ईयर एक कंपनी का प्रॉफिट 10 लाख था, अब 20 लाख हो गया। अच्छा, अब वैसे तो हमें नज़र आएगा कि शायद ये कंपनी की परफॉर्मेंस डबल हो गई है, लेकिन व्हाट इफ के कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स भी डबल हो गए हो, जो शेयर होल्डर हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी डबल कर दी हो। तो एक्चुअली अगर इन्वेस्टमेंट डबल हुई है और उसके साथ प्रॉफिट भी जस्ट डबल हुआ है, तो इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस तो सेम लेवल पर रही है, वो चेंज तो नहीं हुई। तो जो कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट का, वो जो रिसोर्सेज में चेंजेस आते हैं वो उसको कंसीडर नहीं कर रहा होता, जबकि ईपीएस जो है वो शेयर इशू को बकायदा कंसीडर कर रहे होते हैं, उसमें हम देख रहे होते हैं और साथ के साथ कंपेरेटिव को भी रीस्टेट कर रहे होते हैं। तो शेयर इशू का जो इम्पैक्ट है वो कंपेरेबिलिटी के परस्पेक्टिव से भी ईपीएस में कवर हो रहा होता है। फिर जो हमारा एब्सोल्यूट प्रॉफिट की फिगर होती है उसमें डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का प्रॉफिट भी इंक्लूडेड होता है। ईपीएस जो है वो दोनों को सेपरेटली डील करती है, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के लिए हम अलग कैलकुलेशन करते हैं, डिसकंटिन्यूड के लिए अलग करते हैं। तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन बेसिकली ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो फ्यूचर में नहीं होने, उनका फ्यूचर में इंपैक्ट नहीं आना, तो इस तरह से कंपनी उन चीज़ों पर फोकस कर रही होती है जो कंटिन्यू होंगी और वो फ्यूचर को रिफ्लेक्ट करेंगी। फिर प्रॉफिट में बाद अवकात लार्ज या अनयूजुअल आइटम्स शामिल होते हैं, जैसे कोई मेजर लॉस हो गया बाय फायर, या कंपनी को कोई मेजर गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई और वो इंक्लूडेड है, उसकी वजह से प्रॉफिट एकदम वॉलेटाइल हो सकता है, कम या ज़्यादा शो हो सकता है। अच्छा, इसे डायरेक्टली तो बेसिक ईपीएस या डायल्यूटेड ईपीएस इसको भी डील नहीं करती, लेकिन IAS 33 अलाउ करता है कि आप एडिशनल मेजर ऑफ ईपीएस यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपना ऐसा ईपीएस यूज कर सकते हैं जिसमें आप लार्ज और अनयूजुअल आइटम को निकाल कर जो प्रॉफिट है उसकी बेस पर भी एक एडिशनल ईपीएस कैलकुलेट कर लें और उसको भी प्रेजेंट कर दें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो इस तरीके से यूजर्स को और बेहतर पर्सपेक्टिव दिया जा सकता है। फिर जो प्रॉफिट की फिगर हम देखते हैं, जिसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं, उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड को कंसीडर नहीं किया गया होता, जबकि ईपीएस फोकस करती है कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को क्या अवेलेबल होगा। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को सारे का सारा प्रॉफिट अवेलेबल नहीं होगा, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को वो प्रॉफिट अवेलेबल होगा जो प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद बच जाएगा। तो ईपीएस का जो प्रॉफिट पे फोकस है वो भी ज्यादा टू द पॉइंट है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के परस्पेक्टिव से प्रॉपर है। फिर जो एब्सोल्यूट प्रॉफिट की फिगर होती है वो फ्यूचर के बारे में कुछ भी कंसिडर नहीं कर रही होती। वैसे तो ईपीएस भी अर्निंग जो यूज कर रही होती है वो वही यूज कर रही होती है जो हिस्टोरिक होती है, लेकिन डायल्यूटेड ईपीएस में कम से कम हम नंबर ऑफ शेयर्स वो ले रहे होते हैं जो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स वाले होते हैं उनको भी शामिल करके। तो उस तरह से एक इन्वेस्टर्स को अर्ली वार्निंग भी प्रोवाइड की जा रही होती है कि भाई फ्यूचर में जब मजीद शेयर्स इसी प्रॉफिट के अंदर शेयर करने वाले आ जाएंगे, वो भी इसमें से हिस्सा ले रहे होंगे, तो आपके प्रॉफिट में किस हद तक कमी हो सकती है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जहां पर हम देखते हैं कि जस्ट सिंपल जो प्रॉफिट की फिगर होती है और ईपीएस होती है उसमें ईपीएस के ये 5 एडवांटेजेस हैं ओवर द जस्ट प्रॉफिट फिगर। तो कंपैरिजन अगर करें जस्ट प्रॉफिट का विद ईपीएस, तो ईपीएस ज्यादा बेहतर मैयर है। नेक्स्ट हम लिमिटेशंस देखते हैं। तो ईपीएस की एक लिमिटेशन तो ये है कि जब कंपनीज डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रही होती हैं तो उनकी अर्निंग्स भी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर रही है, एक कंपनी कॉस्ट मॉडल अप्लाई कर रही है। रिवैल्यूएशन मॉडल में लेट्स से कि सरप्लस है तो उनकी डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज हो रही होगी प्रॉफिट और लॉस में, और हर कंपनी की जो अर्निंग है वो डिफरेंट बेसिस पर फिर कैलकुलेट हो रही है। डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब है कि फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उतनी कंपेरेबल नहीं है और अर्निंग की फिगर कंपेरेबल नहीं है, तो ईपीएस की फिगर भी उतनी कंपेरेबल नहीं है परफॉर्मेंस के लिए अक्रॉस एंटिटीज। फिर ईपीएस जो है वो इन्फ्लेशन का परस्पेक्टिव नहीं लेती। अगर एक कंपनी की लास्ट ईयर ईपीएस 10 रुपीज थी, इस साल 11 रुपीज आई है, और हम कहते हैं कि जी 10% इन्फ्लेशन हुई है, तो बाहर तो ये नजर आ रहा है कि कंपनी की ईपीएस इंप्रूव हो गई, 10 से 11 हो गई, लेकिन वो तो 11 जस्ट हुई है, वो तो इन्फ्लेशन की वजह से हुई है। ओवरऑल जो कंपनी की परफॉर्मेंस में कोई इजाफा नहीं हुआ, कोई कंपनी में ग्रोथ नहीं हुई, जो अमाउंट का फर्क नजर आ रहा है ओवर टाइम वो जस्ट इन्फ्लेशन है।
तो ये भी एक लिमिटेशन है जिसको देखना चाहिए कि ईपीएस का ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है तो वो सिर्फ ये नहीं, जरूरी नहीं है कि परफॉर्मेंस की वजह से जा रहा हो, वो इन्फ्लेशन की वजह से भी अपवर्ड जा सकता है। फिर ईपीएस जो फोकस करती है वो सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी पर करती है, जबकि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो उसकी कैश फ्लो जनरेशन कर जनरेट करने की एबिलिटी और कंपनी के जो गेन्स हो रहे हैं। अब जैसे कंपनी की लैंड की वैल्यू बढ़ गई तो ये प्रॉफिट में तो रिकॉर्ड नहीं होता, ये तो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड होता है, जो हम ये ईपीएस की कैलकुलेशन के अंदर तो इसको कंसिडर नहीं कर रहे होंगे। लेकिन अगर एक कंपनी के एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है तो शेयर होल्डर्स को अल्टीमेटली तो उसका फायदा होना ही होना है, शेयर होल्डर्स को वो पैसे मिलने तो हैं, तो वो जो एसेट्स को होल्ड करने से गेन हो रहा है वो ईपीएस के अंदर इग्नोर हो रहा होता है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को तो देखें, कंपनी की लैंड की वैल्यू बढ़ गई, जब भी कंपनी उस पर लैंड को डिस्पोज करेगी तो उसका जो अल्टीमेट बेनिफिट है वो किसको मिलेगा? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, लेकिन ईपीएस के अंदर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होता। फिर डायल्यूटेड ईपीएस भी फुली वैसे तो फ्यूचर को फोकस करती है कि पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर हम इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी अर्निंग की फिगर वही यूज हो रही होती है जो पुरानी होती है, जो हिस्टोरिकल अर्निंग होती है, जो ऑलरेडी अर्निंग हो चुकी होती है। ये नहीं उसमें देखा जा रहा होता कि कंपनी की फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी। जरूरी नहीं है कि कंपनी ने लास्ट ईयर 1 मिलियन अर्न किए हैं तो नेक्स्ट ईयर भी 1 मिलियन अर्न करे, वो 1 मिलियन से ज्यादा भी अर्न कर सकते हैं और हो सकता है कि उनकी अर्निंग में कुछ डिक्लाइन आ जाए। तो डायल्यूटेड ईपीएस में भी बेशक नंबर ऑफ शेयर्स को पोटेंशियली ऑर्डिनरी शेयर्स को इंक्लूड करके हम थोड़ा फ्यूचरिस्टिक हो रहे होते हैं, लेकिन जो अर्निंग की फिगर होती है वो स्टिल हिस्टोरिकल होती है और मुकम्मल तौर पर डायल्यूटेड ईपीएस भी फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं होती। फिर एक इशू ये आता है कि एज वी नो के स्टॉक मार्केट में पी रेशो के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है और उसकी वजह से ईपीएस की इंपॉर्टेंस होती है। अक्सर इन्वेस्टर जो हैं वो कंपनी की ईपीएस पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, तो मैनेजमेंट ऑफ एंटिटीज अक्सर इस बात को मैनिपुलेट करती हैं, वो क्रिएटिव अकाउंटिंग यूज करती हैं या ऐसे डिसीजन करते हैं जो कि ईपीएस को इंक्रीज शो करें। अब मैनिपुलेट करने के क्रिएटिव अकाउंटिंग के लाइक एक एसेट की जो यूजफुल लाइफ है, दे ट्राई कि वो ज्यादा से ज्यादा डिसाइड हो ताकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम रिकॉर्ड होगा तो फिर बेसिकली क्या होगा कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट ज्यादा शो होगा, और प्रॉफिट ज्यादा शो होगा तो ईपीएस भी ज्यादा शो होगी। फिर इसी तरह से वो बाजू का जो बोनस इशू वगैरह करने होते हैं उनकी डेट्स को थोड़ा डिले कर देते हैं ताकि वो इंक्लूड ना हो और नंबर ऑफ शेयर्स का इंपैक्ट ना आए जिससे ईपीएस उनकी कम शो हो। तो इस तरीके के इम्पैक्ट्स क्रिएटिव अकाउंटिंग के अंदर यूज़ करते हैं। फिर उनका जो डिसीजन हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो उनकी परफॉर्मेंस है वो ईपीएस की बेसिस पर देखी जा रही है, तो वो शॉर्ट टर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को फोकस करने लग जाते हैं। वो चाहते हैं कि करंट ईयर का प्रॉफिट सिर्फ ज़्यादा शो हो जाए ताकि ईपीएस भी ज़्यादा शो हो जाए और हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रिफ्लेक्ट हो। और जबकि कंपनी में बाज़ात आपको ज़्यादा बेहतर डिसीजन ये होता है कि शॉर्ट टर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को फॉरगो करके ज़्यादा बड़े बेनिफिट को देखा जाए और लॉन्ग टर्म में कंपनी के बेनिफिट्स को देखा जाए। तो इस ईपीएस की मैनिपुलेशन की वजह से अक्सर जो मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग है वो शॉर्ट टर्म की तरफ टेंड करने लग जाती है, रादर देन के कंपनी की लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, परफॉर्मेंस और सर्वाइवल को फोकस किया जाए। तो ये यूजफुलनेस और लिमिटेशन जो हम पढ़ते हैं, इसका बेसिक एंगल ये है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि ईपीएस एक अच्छा मैयर है और उस पर हम किस किस सिचुएशन में प्रॉफिट से ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम हमें इसकी लिमिटेशंस का आइडिया भी होना चाहिए ताकि हम ओवर रिलाई ना कर रहे हों इस पर। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसके लिए हम फिर फर्दर इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। जैसे अगर आप ईपीएस में इन्फ्लेशन का इफेक्ट निकालना चाहते हैं तो आप इन्फ्लेशन रेट डिटरमिन करें और इन्फ्लेशन देखें कि ईपीएस में कितना चेंज आ रहा है और इन्फ्लेशन में चेंज कितना आ रहा है। तो अगर ईपीएस में उससे ज़्यादा चेंज आ रहा है तो वो रियल ग्रोथ है, उसको परफॉर्मेंस का ट्रेंड कंसीडर करें। फिर अकाउंटिंग पॉलिसी डिफरेंट हैं तो आप आइडेंटिफाई कर लें नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कि अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या क्या फ़र्क है और कितना इंपैक्ट उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे पड़ सकता है। फिर इसी तरह कैश फ्लो की इन्फॉर्मेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट से मिल जाएगी। होल्डिंग गेन्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी या अदर कंप्रीहेंसिव इनकम से मिल जाएगी। और इसी तरीके से जो अगर मैनेजमेंट ने कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश की है तो उसके बारे में भी आपको कॉशियस रहना चाहिए और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं उनको गौर से देखना चाहिए ताकि वहाँ पर अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो वो भी हाईलाइट हो जाए। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IAS 33 अर्निंग पर शेयर में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर 1 to 10 डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अनम लिमिटेड हैड
1 million ordinary shares of ₹10 each in issue throughout the year ended 30th June 2003. On 1st July, issue किए 2 million of 6% convertible debentures. Each ₹100 of debenture is convertible into 8 ordinary shares on 1st July 2006 at the option of holder. तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आ गए, इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताया हुआ है कि 1850,000 है और टैक्स वो 30% के हिसाब से पे करते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि डायल्यूटेड ईपीएस बतानी। तो डायल्यूटेड ईपीएस के लिए भी पहले बेसिक ईपीएस कैलकुलेट कर लेते हैं, ताकि एक तो ये भी देख सकें कि जो डायल्यूटेड ईपीएस है वो बेसिक ईपीएस से कम होनी चाहिए या बराबर, उससे ज़्यादा ना कैलकुलेट हो रही है, तो उसको देखेंगे। तो बेसिक ईपीएस के लिए हमें पहले चाहिए सबसे अर्निंग की फिगर, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 1850,000, और नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो हैं 1 मिलियन। तो बेसिक ईपीएस आ जाती है 1.85 पर शेयर। अब हमें देखना है कि ये जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं इनका इंपैक्ट क्या है। तो 2 मिलियन के कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, उन पर 6% इंटरेस्ट है और 30% टैक्स सेविंग है। तो इंक्रीमेंटल अर्निंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2 मिलियन के डिबेंचर्स पर 6% इंटरेस्ट और 30% टैक्स निकालकर 70% का इंपैक्ट आएगा नेट, तो 84,000 का इंपैक्ट बनता है। नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो उन्होंने बताया हुआ है कि हर 100 का डिबेंचर जो है वो 8 ऑर्डनरी शेयर्स में कन्वर्ट होगा। तो 2 मिलियन डिवाइड बाई 100 इंटू 8 शेयर, तो 160,000 शेयर इंक्रीमेंटल शेयर बनते हैं। अब सिंपली हमने क्या करना है कि हमने डायल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करनी है, और डायल्यूटेड ईपीएस के लिए हम अर्निंग लेंगे बेसिक वाली और इंक्रीमेंटल अर्निंग 84,000 की उसमें ऐड कर देंगे। फिर इसी तरह शेयर्स लेंगे बेसिक ईपीएस के और उसमें वो शेयर्स ऐड कर देंगे जो इंक्रीमेंटल। तो हमारे पास डायल्यूटेड ईपीएस आ जाती है 1.67 पर शेयर, और अकॉर्डिंगली हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन टू है कि ज़ारा लिमिटेड बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2001 वाज 6 पर शेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इशू ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th जून 2002 वुड रिजल्ट इन रीस्टेटेड कंपेरेटिव बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2001 ऑफ मोर देन ₹6। तो बेसिकली इसमें से हम ये कह रहे हैं कि जिससे जो ईपीएस होगी वो मोर देन 6 आ जाए, क्योंकि लास्ट ईयर 6 पर शेयर थे, तो ईपीएस बढ़ जाए। ईपीएस कब बढ़ेगी? जब नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स अगर बढ़ रहे होंगे तो ईपीएस तो कम होगी, और नंबर ऑफ शेयर्स और जो ईपीएस है इनका आपस में नेगेटिव कोरिलेशन होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे होंगे तो अर्निंग पर शेयर कम हो रही होगी। अब यहां पर जो राइट इशू दिया हुआ है, बोनस इशू दिया हुआ है, शेयर स्प्लिट दिया हुआ है, इन तीनों सिचुएशन में बेसिकली नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होते हैं, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। हाँ, शेयर कंसोलिडेशन या रिवर्स शेयर स्प्लिट जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं, ऑल्दो के पर शेयर पार वैल्यू ज्यादा हो जाती है, तो इसमें नंबर ऑफ शेयर्स कम होने से जो ईपीएस है वो बढ़ जाएगी, तो रीस्टेट करने में हमारी कंपैरेटिव बेसिक ईपीएस ज्यादा आ जाएगी। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन थ्री है कि हानिया लिमिटेड हैज करेक्टली कैलकुलेटेड इट्स बेसिक अर्निंग्स पर शेयर फॉर द करंट ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम नीड टू बी एडिशनली कंसिडर्ड वेन कैलकुलेटिंग द डायल्यूटेड ईपीएस ऑफ हानिया लिमिटेड फॉर द ईयर। तो चार आइटम दिए हुए हैं और उनकी बेस पर हमने बताना है कि कौन सा होगा। अच्छा, 1 for 5 राइट इशू, ये जो राइट इशू है ये तो बेसिक ईपीएस के अंदर ही कैलकुलेट हो जाता है, हमने सिर्फ वो बताने हैं जो एडिशनली कंसीडर होंगे, तो ये तो ऑलरेडी बेसिक ईपीएस में कंसीडर हो जाता है राइट इशू, ये नहीं लेंगे। इशू ड्यूरिंग द ईयर ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर, ये पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है तो ये डायल्यूटेड के अंदर एडिशनली कंसीडर करना पड़ता है। इश्यू ऑफ डायरेक्टर शेयर ऑप्शन एक्सरसाइजेबल इन 3 ईयर्स टाइम, शेयर ऑप्शन भी पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर हैं, ये डायल्यूटेड के अंदर एडिशनली कंसिडर करना पड़ता है। और इक्विटी शेयर इशू ड्यूरिंग द ईयर एज द परचेज कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ प्लांट मशीनरी, जो ऑलरेडी एक्चुअल इशू हो चुके हैं वो तो बेसिक में ऑलरेडी कवर हो गए होंगे, उन्हें एडिशनली डायल्यूटेड के लिए कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। सो 2 and 3 वाला करेक्ट आंसर होगा, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन फोर है कि मैनी एनालिस्ट बिलीव दैट द ट्रेंड ऑफ ईपीएस इज मोर रिलायबल इंडिकेटर ऑफ अंडरलाइंग परफॉर्मेंस देन द ट्रेंड ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट्स दिस व्यू। अच्छा, पहली स्टेटमेंट ये है कि नेट प्रॉफिट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द चॉइस ऑफ काउंटिंग पॉलिसीज बट ईपीएस कैन नॉट बी। नहीं, जहां पे ये बात गलत है, क्योंकि नेट प्रॉफिट चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी से मैनिपुलेट हो जाता है
और वही प्रॉफिट ईपीएस की कैलकुलेशन में यूज होता है, तो ईपीएस भी मैनिपुलेट हो जाती है चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी से, तो ये तो आंसर नहीं होगा। दूसरा है कि ईपीएस टेक्स इनटू अकाउंट द एडिशनल रिसोर्सेज मेड अवेलेबल टू अर्न प्रॉफिट व्हेन न्यू शेयर आर इशूड फॉर कैश वेयर एज नेट प्रॉफिट डज नॉट। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर एक कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो गए हों, उसके पास जो पैसे थे वो डबल हो गए हों, तो प्रॉफिट की फिगर तो हमें बढ़ती भी नजर आएगी, लेकिन ये नहीं नजर आ रहा होगा प्रॉफिट की फिगर में कि वाकई कंपनी के पास रिसोर्सेज में कितना इजाफा हुआ है। जबकि ईपीएस तो जो है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स को इनकॉर्पोरेट करती है, तो उसके अंदर इसका इंपैक्ट भी आ रहा होता है। थर्ड है डिस्क्लोजर ऑफ डायल्यूटेड ईपीएस फिगर इज अ फोरकास्ट ऑफ द फ्यूचर ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। डायल्यूटेड ईपीएस में प्रॉफिट की फिगर तो हम चेंज करते ही नहीं, हम तो उसमें हिस्टोरिकल फिगर्स ही लेते हैं, सिर्फ ये कंसीडर करते हैं कि जो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर हैं वो अगर एक्चुअली इशू हो जाते तो क्या होता, तो ये बात करेक्ट नहीं है। फिर कहे कंपेरेटिव ईपीएस रिस्टेटेड वेयर अ चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी अफेक्ट्स द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। तो बात यह है कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो है वो अगर आपका चेंज होगा तो ईपीएस के अंदर इम्पैक्ट लिया जाता है, लेकिन बात यह है कि ये बात तो प्रॉफिट की जो फिगर्स हम जनरली स्टेट कर रहे हैं उसके अंदर भी है, तो यहाँ पर प्रॉफिट और ईपीएस का कंपैरिजन में बात नहीं बनती। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन जो हमारा कॉन्सेप्ट जिस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं कि जी प्रॉफिट और ईपीएस के अंदर में ईपीएस क्यों ज़्यादा रिलायबल है, तो ईपीएस इस वजह से ज़्यादा रिलायबल नहीं है, तो जो बेसिक हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन फाइव है कि एट 1 जनवरी 2008 मारिया लिमिटेड हैड 5,000,010 इक्विटी शेयर इन इशू, ऑन 1 जून 2008 इट मेड अ 1-for-5 राइट इशू, यानी अगर 5 शेयर थे तो उनके अगेंस्ट 1 शेयर और इशू कर दिया 15 रुपीज पर। द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बिफोर राइट इशू वॉज 18। टोटल अर्निंग्स जो थी वो 7.6 मिलियन है, तो बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन मांगी हुई है। तो बेसिक ईपीएस के लिए हमारे पास जो अर्निंग की फिगर है वो तो गिवन है 7.6 मिलियन, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ वर्किंग्स करनी पड़ेंगी, क्योंकि राइट इशू है तो थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कैलकुलेट करेंगे फिर ही हमें फ्रैक्शन पता चलेगी। तो पहले 5 शेयर जो हैं वो 18 पर हैं और 1 शेयर जो और आएगा वो 15 के हिसाब से, तो 5 शेयर्स ऑफ 18, 1 न्यू शेयर इशू होगा 15 पर और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 5+1 6 हो जाएंगे, तो एवरेज प्राइस जो शेयर की हो जानी चाहिए इन थ्योरी वो 17.5 पर शेयर हो जानी चाहिए। तो 18 की एक्चुअल कम राइट प्राइस है, 17.5 की थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस हमने कैलकुलेट कर ली, तो हमारे पास फ्रैक्शन आ जाती है 18/17.5। अब जनवरी टू जो 1 जून को क्योंकि इशू हो रहा है, जो जनवरी टू मई का टाइम बनता है उसमें 5 मिलियन शेयर थे 5 मंथ्स के लिए और बोनस फ्रैक्शन से हमने मल्टीप्लाई किया तो 2.14 मिलियन आ गए। फिर जून टू दिसंबर शेयर जो है वो 1 मिलियन और इशू हो जाएंगे, क्योंकि 5 मिलियन के अगेंस्ट 1/5 है, तो 1 मिलियन और शेयर इशू हुए 6 मिलियन हो गए, और 7 मंथ्स यही सिचुएशन थी तो 3.50 मिलियन बनते हैं टोटल शेयर 5.64 मिलियन। ये हम अपनी बेसिक ईपीएस के अंदर यूज करेंगे, तो हमारे पास 1.35 पर शेयर की बेसिक ईपीएस आ जाती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन सिक्स है कि गुलफिशन लिमिटेड हैड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 30 मिलियन ऑन 1 जनवरी टू 4.4 मिलियन और शेयर दिन इशू थे, 1 अप्रैल को 1/2 का राइट इशू किया, तो राइट इशू दिया हुआ है और उसके बाद बेसिक ईपीएस कैलकुलेट। तो बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन के लिए हम देखें तो प्रॉफिट की फिगर हमारे पास है, लेकिन हमें नंबर ऑफ शेयर्स में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में राइट इशू को भी कंसीडर करना पड़ेगा, और राइट इशू के लिए हमें थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस की बात करते हैं, तो जो इशू हुआ है वो 1/2 का हुआ है, यानी 2 शेयर्स के अगेंस्ट 1 और 14 पर इशू हुआ है, जबकि पहले शेयर की प्राइस 20 थी। तो 2 शेयर्स अगर 20 के हैं तो 1 शेयर और 14 के अगेंस्ट इशू होगा और टोटल शेयर 2+1 3 हो जाएंगे, तो थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस आ जाती है 18 पर शेयर, और इस बेसिस पर क्योंकि एक्चुअल कम राइट प्राइस ये 20 की गिवन है, तो हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी 20/18 की। तो इशू हो रहा है 1 अप्रैल को, तो जनवरी टू मार्च 2.4 मिलियन शेयर थे फॉर 3 मंथ और बोनस फ्रैक्शन दे दी हमने, 0.67 मिलियन वेटेड एवरेज आ जाती है। अप्रैल टू दिसंबर क्योंकि 2.4 मिलियन शेयर थे और 1/2 का इशू है, तो 2.4 मिलियन का 1/2 बनता है 1.2, वो ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर 3.6 मिलियन हो जाएंगे और ये 9 मंथ्स कंटिन्यू हुए, टोटल नंबर ऑफ शेयर 3.37 मिलियन बनते हैं, जो हम बेसिक ईपीएस में यूज करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.9 पर शेयर,
सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन सेवन है कि ऑन 1 जनवरी 2004 तमिल लिमिटेड हैड 3 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर इन इशू। ऑन 1 जून 2004 यानी 5 महीने के बाद इट मेड अ 1/3 बोनस इशू। तो बोनस इशू दिया हुआ है और बेसिक ईपीएस पूछी, तो बेसिक ईपीएस अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो पहली चीज हमें चाहिए प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है 20 मिलियन, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स के लिए क्योंकि यहां पर बोनस इशू वगैरह है और एक फुल मार्केट प्राइस पर भी इशू है, तो इन दोनों को कंसीडर करना होगा। अच्छा, बोनस इशू है 1/3 का, तो इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी 4/3, क्योंकि इशू से पहले 3 शेयर थे, एक और इशू हो जाएगा तो इशू के बाद 4 शेयर हो जाएंगे, तो आफ्टर जो शेयर होते हैं वो 4 डिवाइड बाय जो शेयर्स पहले थे यानी 3। अब सबसे पहले जनवरी टू मई तक तो कंपनी के पास जो नंबर ऑफ शेयर थे वो 3 मिलियन थे, तो 5 मंथ तक ये पोजीशन रही, इसको हमने बोनस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि बोनस इशू से पहले के हैं, 1.67 मिलियन वेटेड एवरेज बनती है। जून में बोनस इशू हुआ तो 1 मिलियन शेयर और इशू हो गए होंगे और टोटल नंबर ऑफ शेयर 4 मिलियन हो गए। सेप्टेंबर तक यही सिचुएशन रही, 4 मंथ के लिए इसकी वेटेड एवरेज ले ली और फिर फुल प्राइस पर इशू हुए हैं कितने शेयर, 1 मिलियन। तो अब नंबर ऑफ शेयर 5 मिलियन हो गए और अक्टूबर टू दिसंबर ये सिचुएशन रही, फुल मार्केट इशू के लिए कोई फ्रैक्शन लेने की जरूरत नहीं होती। इनफैक्ट अगर आप फुल प्राइस इशू के ऊपर फ्रैक्शन ले भी लें राइट इशू के फार्मूले के हिसाब से तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम जवाब आता है, यानी जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है उस फ्रैक्शन का वो इक्वल हो जाता है। तो टोटल वेटेड एवरेज हमारे पास आ रही है 4.25 मिलियन, इसे हम बेसिक ईपीएस में यूज करेंगे तो हमारे पास ईपीएस आ जाएगी 4.7 पर शेयर, विच मीन्स के ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 8 है कि ड्यूरिंग द ईयर मरियम लिमिटेड मेड अ 1/3 राइट इशू एट ₹16 व्हेन द मार्केट प्राइस वॉज 22। प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोड एन ईपीएस ऑफ 4। देयर वर नो अदर इशूज ऑफ शेयर ड्यूरिंग द ईयर, व्हाट विल द रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर फिगर बी फॉर कंपेरेटिव पर्पज। यानी आपने बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करनी है लेकिन करंट ईयर की नहीं, प्रीवियस ईयर की करनी है। तो वंस अगेन हमें प्रीवियस ईयर की नंबर ऑफ शेयर नहीं दिए हुए बल्कि ईपीएस की फिगर बताई, तो ईपीएस की फिगर से हमें मल्टीप्लाई करना होता है रिवर्स बोनस फ्रैक्शन को, लेकिन रिवर्स बोनस फ्रैक्शन के लिए भी बोनस फ्रैक्शन पता होनी चाहिए, तो या जो राइट इशू की बोनस फ्रैक्शन है वो पता होनी चाहिए। तो पहले थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कैलकुलेट करेंगे ताकि फ्रैक्शन पता चले, और फ्रैक्शन पता चल जाएगी तो फिर हम उसकी बेसिस पर फर्दर कैलकुलेशन कर सकेंगे। तो थ्योरेटिकल एक्स प्राइस जब कैलकुलेट करनी है तो 1/3 का राइट इशू हुआ है, 16 की प्राइस पर हुआ है जबकि मार्केट वैल्यू 22 थी, एक्चुअल कम राइट प्राइस। तो 3 शेयर जो 22 के थे उनके साथ 1 शेयर 16 के अगेंस्ट इशू हुआ, टोटल शेयर 3 + 1 4 हो गए, तो थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस आ जाएगी 20.5 पर शेयर और एक्चुअल कम राइट प्राइस है 22। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन होगी दैट वुड बी 22 डिवाइड बाई 20.5, लेकिन जब बेसिक ईपीएस के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपने रिवर्स बोनस फ्रैक्शन लेनी है। तो रिवर्स बोनस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेसिक ईपीएस आ जाती है 3.73 पर शेयर, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 9 है कि सबा लिमिटेड हैज नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2005 ऑफ ₹10.5 मिलियन। सबा लिमिटेड हैज हैड 6 मिलियन शेयर इन इशू फॉर मेनी ईयर्स। इन द करंट ईयर सबा लिमिटेड हैज इशूड कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जो कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ 2.5 मिलियन पर है और इफेक्टिव रेट उस पर 8% है। बॉन्ड कन्वर्टेबल है 5 ईयर्स में, 50 शेयर्स फॉर ईच मिलेंगे 100 ऑफ द बॉन्ड, और टैक्स जो है वो 30% पर है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में है कि बेसिक ईपीएस भी कैलकुलेट करनी है और डाइल्यूटेड ईपीएस भी कैलकुलेट करनी है। तो पहले अगर हम बेसिक ईपीएस की बात करें तो उसका डाटा क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 10.5 मिलियन का और नंबर ऑफ शेयर्स भी बताए हुए हैं कि 6 मिलियन। तो बेसिक ईपीएस कैलकुलेट हो जाती है 1.75 की, जिससे हमें यह पता चला कि या तो ऑप्शन बी करेक्ट है या ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि बाकी दोनों में बेसिक ईपीएस गलत है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जी जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं उनका इफेक्ट क्या होगा।
तो इंक्रीमेंटल अर्निंग पर 2.5 मिलियन का 8% इंटरेस्ट और 30% टैक्स की वजह से हम नेट ऑफ टैक्स ले रहे हैं, इसलिए 70%, तो 0.14 मिलियन आ जाएगा। फिर ये कन्वर्ट कितने में होंगे, हर 100 रुपीज़ के अगेंस्ट 50 शेयर इशू होंगे, तो 1.25 मिलियन शेयर इशू हो जाएंगे। अब हमने करना क्या है कि डायल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करनी है, और डायल्यूटेड ईपीएस के लिए हम अर्निंग लेंगे बेसिक ईपीएस की और इंक्रीमेंटल अर्निंग। शेयर्स लेंगे बेसिक ईपीएस के और इंक्रीमेंटल शेयर्स, तो हमारे पास डायल्यूटेड ईपीएस आ जाती है 1.47 पर शेयर, और इसका मतलब है कि ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 10 है कि आलिया लिमिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो अ प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ ₹20 मिलियन ऑन 1 जनवरी 2025। एएल हैड 4 मिलियन शेयर इन इशू, तो देयर वर नो न्यू इशू ऑफ शेयर इन द ईयर, बट देयर वर 1 मिलियन आउटस्टैंडिंग ऑप्शन टू बाय शेयर फॉर ₹30 ईच। तो ऑप्शन थे लेकिन कोई और शेयर का इशू नहीं हुआ। फॉर द ईयर टू 31 दिसंबर एवरेज मार्केट वैल्यू ऑफ एएल शेयर वाज ₹50। तो क्वेश्चन ये है कि डायल्यूटेड ईपीएस बतानी है। अब ऑप्शन हैं तो जो मेन इशू है फ्री शेयर कैलकुलेट हो जाए, तो बाकी तो बेसिक ईपीएस वाली ही कैलकुलेशन है। तो फ्री शेयर हैं हमारे 1 मिलियन ऑप्शंस पर, 30 की एक्सरसाइज प्राइस है और फेयर वैल्यू 50। तो फ्री शेयर्स का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ऑप्शंस इनटू फेयर वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस डिवाइड बाय फेयर वैल्यू। तो हमारे पास फ्री शेयर की अमाउंट आ जाती है कि 0.4 मिलियन शेयर हैं। डायल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करेंगे, उसमें हम वही अर्निंग लेंगे जो बेसिक में ली जाती 20 मिलियन, लेकिन जब शेयर्स लेंगे 4 मिलियन के तो उसमें ये 0.4 मिलियन शेयर जो फ्री शेयर हैं ये भी ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.55 पर शेयर। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। तो यहां पे हमारे ये 10 क्वेश्चंस हो गए। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई 33 अर्निंग्स पर शेयर में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आंसर करेंगे 11 टू 20। क्वेश्चन 11 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू द टर्म डाइल्यूशन इज और आर ट्रू और फॉल्स एज पर IAS 33 अर्निंग्स पर शेयर। अच्छा जी, पहली स्टेटमेंट ये है कि अ रिडक्शन इन अर्निंग्स पर शेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइल्यूशन, बिल्कुल ठीक, तो ये तो ट्रू है। अ रिडक्शन इन लॉस पर शेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइल्यूशन, ये गलत है, क्योंकि लॉस पर शेयर में इंक्रीज होगा तो वो डाइल्यूशन होगी, ये तो एंटी डाइल्यूशन कंसीडर होगी। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। क्वेश्चन 12 है कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स मस्ट बी डिस्क्लोज्ड एज पर IAS 33 अर्निंग्स पर शेयर। फोरकास्ट अर्निंग्स पर शेयर और फॉर द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, तो नेक्स्ट ईयर की फोरकास्ट वगैरह की तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 5 ईयर ट्रेंड एनालिसिस, ईपीएस का कोई ट्रेंड एनालिसिस रिक्वायर्ड नहीं, जो आप पीरियड प्रेजेंट कर रहे होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसकी कंपैरेटिव दी जाती है, और वो 5 ईयर का एनालिसिस देने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1 साल का कंपैरेटिव देते हैं तो आप 1 साल की ही ईपीएस प्रेजेंट कर रहे होंगे कंपैरेटिव में। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स यूज टू कैलकुलेट ईपीएस, ये रिक्वायरमेंट है। एंड अर्निंग फिगर्स जो बेसिक और डायल्यूटेड ईपीएस के लिए यूज हुई है, ये भी रिक्वायरमेंट, बल्कि इन दोनों के दरमियान जो रिकंसिलेशन होती है वो भी बतानी होती है। तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ये दो वो आइटम होंगे जो डिस्क्लोज करने जरूरी हैं। क्वेश्चन 13 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अकॉर्डिंग टू IAS 33 अर्निंग पर शेयर। फर्स्ट है कि ईपीएस अमाउंट शुड नॉट बी प्रेजेंटेड इफ दे आर नेगेटिव लॉसेस पर शेयर हों, तो फिर प्रेजेंट नहीं करना, तो ये बात गलत है। इनफैक्ट IAS 33 की बड़ी एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट है कि ईपीएस की फिगर्स को प्रेजेंट करना है इवन इफ दे आर नेगेटिव, यानी लॉस पर शेयर भी आ रहा हो तो तब भी प्रेजेंट करना है, ये एक्सप्रेसली मेंशन है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। सेकंड है कि अर्निंग पर शेयर अमाउंट कैलकुलेटेड फॉर डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशन शुड बी प्रेजेंटेड, हाँ ये रिक्वायरमेंट है कि प्रेजेंट करनी चाहिए। प्रेजेंट करने में आप फेस पे भी कर सकते हैं और नोट में भी कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 14 है कि पारीसा लिमिटेड इशू न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर कैश एट फुल मार्केट प्राइस एंड ऑल्सो मेड अ 1 for 8 बोनस इशू।
आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू आई 33? नंबर वन, न्यू शेयर इशूड एज अ रिजल्ट ऑफ बोनस इशू शुड बी टाइम अपोर्शन। बोनस इशू की वजह से टाइम अपोर्शन नहीं होता, बोनस इशू इस तरीके से समझा जाता है जैसे ये शेयर हमेशा से इन इशू थे और फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कंपेरेटिव पीरियड हम उनको इन इशू कंसिडर करते हैं, यानी इवन कंपेरेटिव के अंदर भी इंक्लूड कर लेते हैं। दूसरा है, न्यू शेयर इशूड फॉर कैश एट फुल मार्केट प्राइस शुड बी टाइम अपोर्शन। इनके लिए बात ठीक है, अगर फुल मार्केट प्राइस पर शेयर इशू हों तो वो टाइम अपोर्शन होंगे, तो हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट वन फॉल्स है और स्टेटमेंट टू ट्रू है। क्वेश्चन 15 है कि साइमा लिमिटेड इज अ कंपनी लिस्टेड ऑन अ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, गिवन बिलो इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट्स स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, एसएल पे ड्यूरिंग द ईयर इट्स ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 400,000 एंड डिविडेंड ऑन इट्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 500,000। दीज हैव बीन करेक्टली अकाउंटेड फॉर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एसएल हैड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ 2 मिलियन थ्रू आउट द ईयर एंड ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ 10 मिलियन। वट इज बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2007? तो बेसिक ईपीएस हमने कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर जो मेन इशू है कि जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये तो लाइबिलिटी ट्रीट होते हैं और इनके बारे में बताया हुआ है कि इनकी ऑलरेडी करेक्ट अकाउंटिंग हो चुकी है, तो प्रॉफिट के अंदर इनकी कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनका डिविडेंड जो है वो चेंजेस इन इक्विटी में नहीं जाता बल्कि फाइनेंस कॉस्ट में प्रॉफिट और लॉस के अंदर रिकॉर्ड होता है और करेक्टली अकाउंटेड फॉर है, तो इसका मतलब है कि जो प्रॉफिट की फिगर है उसके अंदर ये ऑलरेडी कंसिडर हो चुके हैं। तो हम जब बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करेंगे तो हम सिंपली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो क्वेश्चन में गिवन है वो लेंगे और नंबर ऑफ शेयर ले लेंगे 2 मिलियन के रुपीज में हैं और 10 का एक है, तो 2 मिलियन डिवाइड बाय 10 200,000 शेयर बन जाते हैं, दैट वुड बी ₹21 पर शेयर। आंसर जो है ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन 16 है कि शायस्ता लिमिटेड इज अ कंपनी लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2007 शोड ईपीएस ऑफ 8.5 पर शेयर। ऑन 1st July शायस्ता लिमिटेड मेड अ 143 बोनस इशू, व्हाट फिगर फॉर द 2007 अर्निंग पर शेयर विल बी शोन एज कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2008? तो 2007 में जो ईपीएस शो की थी वो पहले 8.5 की थी, लेकिन इस साल बोनस इशू हो गया तो फिर लास्ट ईयर की ईपीएस अब हम रीस्टेट करके कितने की शो करेंगे, तो सिंपली 143 का बोनस इशू हुआ है तो फ्रैक्शन आ जाएगी हमारी 4/3, यानी पहले अगर 3 शेयर थे तो एक और इशू हुआ और 4 हो गए, तो आफ्टर 4 हैं और बिफोर 3 हैं, तो 8.5 की जो ईपीएस गिवन है मल्टीप्लाई कर देंगे रिवर्स बोनस फ्रैक्शन 6.38 पर शेयर आ जाती है, ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 17 है कि सिंबा लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी, एट 31 December 2007 इट हैड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ ₹2 मिलियन, 10 ईच का था यानी 200,000 शेयर्स हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 500,000 का है और टैक्स 125,000 का है, तो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं लेना होता, हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना होता, तो बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करनी है तो सिंपली प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स एक्सपेंस लेस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लेंगे और फिर नंबर ऑफ शेयर्स ले लेंगे, 2 मिलियन का शेयर कैपिटल है, ₹10 का एक शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स 200,000 है, तो दैट वुड बी 1.88 पर शेयर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 18 है कि मुंतहा लिमिटेड इज लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 December द कंपनी हैड 5 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड 500,000 6% इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और ₹10 इन इशू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 मिलियन है, ईपीएस कैलकुलेट करनी है। अब क्योंकि ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो इनका डिविडेंड लेस करना होगा, तो बेसिक ईपीएस हमें कैलकुलेट करनी है। अच्छा, जो अर्निंग हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की दी है 6 मिलियन और 500,000 ₹10 का एक, तो ये बन गया 5 मिलियन, इस पर 6% डिविडेंड होगा, तो 6 मिलियन के प्रॉफिट में से 5 मिलियन का जो प्रेफरेंस डिविडेंड है उसका 6% डिविडेंड हम लेस कर देंगे और डिवाइड करेंगे अपने ऑर्डिनरी शेयर से जो कि 5 मिलियन है, तो हमारे पास बेसिक ईपीएस आ जाती है 1.14 पर शेयर,
एंड दैट मीन्स के ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन 19 है कि मंशा लिमिटेड हैड 100,000 इक्विटी शेयर्स इन इशू ऑन 1 जनवरी। ऑन 1 जुलाई इट इशूड 20,000 न्यू शेयर्स बाय वे ऑफ 1 for 5 बोनस इशू। ऑन 1 अक्टूबर इट इशूड 28,000 न्यू शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस। तो एक बोनस इशू है और एक फुल मार्केट प्राइस का इशू है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स बताएं जो कि बेसिक ईपीएस में यूज होने चाहिए। तो सिंपली पहले तो हम फ्रैक्शन ले लेते हैं। 5 for 1 का मतलब है कि हमारी फ्रैक्शन 6/5 होगी, क्योंकि अगर पहले 5 शेयर्स थे तो एक और इशू हो जाएगा और आफ्टर 6 हो जाएंगे, 6/5 की फ्रैक्शन आ जाएगी। अब जुलाई में शेयर इशू हो रहे हैं बोनस के, तो जनवरी टू जून तो 100,000 शेयर दिए होंगे 6 मंथ के लिए, 6/5 की फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जुलाई टू सितंबर, क्योंकि अक्टूबर में मजीद शेयर इशू हैं, ये नंबर ऑफ शेयर जो हैं वो हमारे बोनस वाले ऐड हो गए थे 20,000, यानी 100,000 का 1/5, 20,000 ऐड करने से 120,000 हो गए और 3 मंथ ये सिचुएशन रही। और फिर फुल जो शेयर इशू हैं 28,000 फुल मार्केट प्राइस पर, तो 120 में ये 28,000 ऐड करेंगे तो 148,000 हो जाएंगे 3 मंथ के लिए, ये सिचुएशन रही। बोनस फ्रैक्शन सिर्फ उस पर अप्लाई होनी है जो बोनस इशू से पहले है। तो टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर बन जाता है वेटेड एवरेज नंबर, दैट इज 127,000। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 20 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट बी एडजस्टेड इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड जो है इनको कंसीडर नहीं करना होता, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे जो प्रॉफिट और लॉस में फाइनेंस कॉस्ट के अंदर एज एक्सपेंस इनका डिविडेंड चेंजेस इन इक्विटी में ट्रीट नहीं होता, बल्कि एज अ फाइनेंस कॉस्ट प्रॉफिट और लॉस में ट्रीट होता है। तो ये इनको फर्दर एडजस्ट करने की जरूरत हमें नहीं होती, यही हमारा आंसर होगा। बाकी जो डिविडेंड्स हैं ये एडजस्ट होता है, और ये दोनों जो ऑर्डिनरी डिविडेंड हैं, फाइनल डिविडेंड हो या इंटरिम हो, ये भी एडजस्ट नहीं होता, क्योंकि ये तो वो अमाउंट होती है जो ऑलरेडी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल होती है। तो बेसिकली जो अमाउंट एडजस्ट नहीं होती वो ए सी एंड डी बनती हैं। तो सिर्फ जो अमाउंट एडजस्ट होगी वो बी बनती है, बट जो प्रॉपर आंसर है स्टडी टेस्ट के मुताबिक वो ऑप्शन ए है। ऑल दो, और सब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर भी हम ऑप्शन ए कह सकते हैं, ऑल दो ये कि जो ऑप्शन सी और डी है वो भी ऐसी अमाउंट्स हैं जो कि एडजस्ट नहीं होती। तो ये हमारे 10 MCQs थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।